नमस्ते दोस्तों। तो आज हम फिर से पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सफर को आगे बढ़ाते हुए और उनके फलसफे को और उनके गानों को आगे उनके कहानियों को लेते हुए आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने। हम उम्मीद करते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ये जो पॉडकास्ट का एपिसोड है वो आप लोगों को काफी मनोरंजन दे रहा है, अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर साहब, आज कौन से पहलू के बारे में, कौन से गीत के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं? नमस्ते रूमी जी को बहुत बहुत बधाई फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ले आने के लिए। और हमने ये भी कहा है कि एलपी के जो सीरीज वो बहुत लंबा सीरीज चलेगा क्योंकि फिल्म भी इतने ज्यादा फिल्मों में काम किए दोनों, 510 फिल्म बहुत ज्यादा होते हैं और मतलब 5 दशकों से दे हैव डोमिनेटेड। आज हम बोलेंगे एक नए फिल्म, वो फिल्म का नाम है हीरो। और हमें याद था तब उम्र कम था, पहली फिल्म थी जैकी श्रॉफ जी की, हम जग्गू दादा बोलते हैं उनको, और मीनाक्षी शेषाद्री जी की। तो अभी अभी हमारा जो सेकेंड वाला एपिसोड था एलपी का, उसमें हम कहे थे कि राज कपूर साहब थे शोमैन, सपनों का सौदागर। तो जैसे रिले की बात की है कि एक एक, एक रनर वो दौड़ता है और फिर बैटन दे देता है दूसरे बंदे को और वो वहां से स्टार्ट करता है दौड़, तो ये ऐसी बात हुई कि जहां से राज साहब उनके दौड़ हम खत्म नहीं बोल रहे हैं, नई पीढ़ी में वो शोमैनशिप ले लिया सुभाष गाई नाम का एक बड़ी हस्ती। सुभाष गाई की ये फिल्म थी हीरो। अब फिर से अब जब बॉबी की बात की तो हम कहे थे कि राज साहब ने हैड एक्सपेरिमेंटेड विद अ न्यू पेयर, नई जोड़ी ऋषि कपूर जी डिंपल कपाड़िया जी, यहाँ भी एक नई जोड़ी जैकी श्रॉफ जी डिंपल और मीनाक्षी शेषाद्री जी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इतने सारे लोगों के साथ दिखाई है कि मीनाक्षी जी उनको ये फिजा कैसे पसंद आ जाता है और उसमें शी हैड रियली वर्क्ड एंड मिल्क इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूजिक, और इसमें सरगम भी है। और लता मंगेशकर जी ने बेहतरीन काम किए इस फिल्म में। और अभी मैं रूमी जी को लाइन में दूंगा और लाइन देने से समय एक बार उनसे पूछूंगा कि फिर से मैं एलपी नाइट का बात बार बार मैं दोहराता हूँ इसलिए कि हमें भी थोड़ा कभी कभी वी आर क्यूरियस टू नो कि वो अनुराधा पौडवाल जी के साथ गाई है और अनुराधा पौडवाल जी इस फिल्म में उनका भी गाने हैं तू मेरी हीरो है एंड ऑल दैट। तो व्हाट वाज हर यू नो वे इन टर्म्स ऑफ जब एक प्रोग्राम रहता था, एक शो रहता था, उससे पहले रिहर्सल में व्हाट शी यूज्ड टू डू, वो बोल के आप गाना शुरू कीजिए। हाँ, ऐसे बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं और अनुराधा पौडवाल के बारे जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो इतनी बेहतरीन गायिका है और मतलब वो हमारी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से एक है, प्लेबैक फीमेल सिंगर में से एक है, बहुत ही यूनिक कलाकार है वो। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास, जितनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर है, मतलब माँ सरस्वती का रूप ऐसा लगता है उन्होंने धारण किया है, उतनी सुंदर का उनका स्वभाव भी उतना सुंदर है। सबसे बड़ी बात है कि जब ये लोग कोई गाने का रिहर्सल करते थे, सबसे बड़ी बात पॉइंट भी वही नोटेड कि ये अपने गानों का रिहर्सल नहीं करते थे, ये गाते थे लता मंगेशकर जी के गाने। मतलब मैंने ये देखकर मैं बहुत ये मुझे अचरज होता था कि शो में गाने वाले हैं एक और गाना, अपनी फिल्म का गाना, लेकिन जब हम लोग म्यूजिक रूम में जब रिहर्सल हो रहा है, ग्रीन रूम में या होटल रूम में जहाँ पे भी हम थे वहाँ पे जब रिहर्सल होता था तो ये कभी भी अपने फिल्मों के गाने ये गाते नहीं थे, कोई भी सिंगर। अनुराधा पौडवाल जी को ले लीजिए, वो गा रहे थे लता जी के पुराने गीत, वो गा के वो रिहर्सल कर रहे थे, उनकी कोई क्लासिकल गाने लेकर वो रिहर्सल कर रहे थे। और उसी तरह अलका याग्निक जी भी, कविता कृष्णमूर्ति जी भी, वो खुद के गाने नहीं गाते थे, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ गाए हुए उनके खुद के गाने नहीं गा रहे, वो गा रहे हैं लता जी के गाने। तो और कोई एक सिंगर अगर गाते थे, समझ लो अगर कविता कृष्णमूर्ति जी सिर्फ गा रहे हैं, अलका याग्निक जी उनको सिर्फ सुन रहे हैं, आंखें बंद करके सुन रहे हैं, वो नहीं गा रहे हैं। जब अलका याग्निक जी गा रही है तो कविता कृष्णमूर्ति जी आंखें बंद करके सुन रही। तो ये जो बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि कोई कंपटीशन नहीं था, इतनी वो उनके उनको सहारे
रही है, उनको उनका उनको मतलब प्रोत्साहित कर रही है, उनकी उनके कंपटीटर खुद ही थे, खुद ही वही मतलब जब वो कुछ हरकत ले रही है कविता जी, तो अलका जी एकदम उनको वाह वाह कर रही है, वाह वाह क्या जगह ली है, एक बार और हो जाए इस तरह से। तो ये जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैनशिप, ताकि किसी का किसी के साथ वो ज्यादा है, मैं कम हूँ या मैं इससे बेहतर हूँ, ये चीज एकदम ही उनमें नहीं था। ये सब चीजें है ना जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है हमको एज अ कॉमन मैन। अब मैं एक कॉमन लड़की हूँ, कॉमन पर्सन हूँ, बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से हूँ, तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने जिंदगी में सीखा है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना ही बड़प्पन नहीं होता है। हमारे से छोटे छोटे लोग, ये जो हम एक समान लोग देखते हैं, मुझ में अगर कुछ गुण है सामने वाले में उससे ज़्यादा गुण हो सकता है, तो वो लेने की जो क्षमता है वो सब में होना चाहिए, तभी वो एक बड़े मापदंड का वो आदमी बनता है बड़े होकर, या आगे जाके वो एक अच्छा शख्सियत कहलाता है। तो ये सब मैंने सीखा है इन लोगों के साथ, अपना थोड़ा थोड़ा जो मुझे भगवान ने सहयोग दिया है, और मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इन लोगों के साथ मैंने अपना पल गुजारा है, तो बहुत कुछ इन लोगों से मैंने सीखा है अपने लाइफ में। ये गाना बहुत सुधी है, और इसमें गाने के पहले मैंने इतना बोल गई कि मुझे वो गाने के टेम्पो में आने में थोड़ा सा अपने को कंपोज करना पड़ेगा। पहली पार्ट आप तो बिना म्यूजिक में ही गाओ, फिर मैं म्यूजिक लगा। बहुत ही सुंदर गाना है, और हम लोग ये गाने में एकदम मदहोश हो जाते थे, इतना प्यारा कंपोजिशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। Yeah.
जाने ये आ, 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 आ